अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा शुरू होने वाली है। अहमदाबाद के जमालपुर में 400 साल पुराने जगन्नाथ मंदिर में ये यात्रा शुरू होगी। ओडिशा की रथ यात्रा के तर्ज पर अहमदाबाद में भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाती है और इस मौके पर श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ, बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा की धूमधाम से पूजा अर्चना करते हैं। रथ पर सवार कृष्ण, बलराम और सुभद्रा का नगर भ्रमण अहमदाबाद का एक चर्चित धार्मिक उत्सव होता है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह रथ यात्रा के उत्सव में हर साल शामिल होते हैं और आज सुबह करीब 4 बजे अमित शाह सपरिवार मंगला आरती में शामिल हुए। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। अमित शाह ने यहाँ पूजा अर्चना की और पत्नी सोनल शाह के साथ मंगल आरती में शामिल हुए। अहमदाबाद में गुरुवार को 142वें रथ यात्रा की शुरुआत हो रही है। गृह मंत्री बनने के बाद ये अमित शाह का पहला गुजरात दौरा है। आप देख रहे हैं जगन्नाथ मंदिर अहमदाबाद की पहली तस्वीर आपके सामने है और सरसपुर से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और भगवान जगन्नाथ मंदिर में किस तरह से भक्तों का सैलाब उमड़ा है पुरी में, वो तस्वीरें आप देखिए। और कैसे नाच गाकर भगवान जगन्नाथ की यात्रा जब निकलती है तो भक्त भक्ति में लीन होकर भगवान के रथ को पूरे शहर का भ्रमण कराते हैं। और इसके पीछे का जो मकसद है वो ये होता है कि भगवान पूरे शहर में घूम कर ये देखें कि उनके भक्त कैसे हैं, उनकी प्रजा कैसी है। हालांकि जब रथ यात्रा निकाली जाती है तो राजा की उपाधि देकर श्री कृष्ण को, बलराम को, सुभद्रा को उस रथ में बैठाकर भ्रमण पर निकाला जाता है कि वो उस जगह के राजा हैं और उनकी प्रजा नाच गाकर उनका स्वागत करती है। और जहां जहां से भी ये भ्रमण के लिए निकलता है रथ, वहां पर जो लोग हैं, भक्त हैं, अपने ही अंदाज में उनकी रथ यात्रा का स्वागत करते हैं, फूलों से करते हैं, प्रसाद जगह जगह पर दिया जाता है। बहुत मायने है, बेहद महत्वपूर्ण होती है ये यात्रा और बहुत बड़ी आस्था भक्तों की जुड़ी है। और यही कारण है कि न केवल पुरी के ही और गुजरात के ही यानी अहमदाबाद में ही बल्कि पूरे देश से लोग पहुंचते हैं यहाँ पर इस यात्रा में शामिल होने के लिए। इसीलिए कहा जाता है कि जैसे जैसे ये रथ यात्रा आगे बढ़ती है मानो जन सैलाब सड़कों पर उतर आया हो। उदय मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो पल पल की अपडेट आपको दिखा रहे हैं। और ये बेहद खूबसूरत तस्वीर आप देखिए इस वक्त जी न्यूज पर जो हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे पालकी में ले जाकर रथ में सवार करते हैं भगवान की इस मूर्ति को। हालांकि श्री कृष्ण है, सुभद्रा है या बलराम है ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन